तो राजा के पास क्या होता है? तोता। राजा को बहुत प्यारा होता है, राजा का बहुत अच्छा दोस्त होता है। जो भी बात राजा को करनी हो किससे करता है? तोते से। और राजा की रानी तोते से बहुत चिढ़ती है। क्यों चिढ़ती है? चिढ़ती राजा। यस बेटा, ये बच्चा बताएगा, खड़े हो जाओ। यस बेटा, आप बताओ। ज्यादा टाइम किसके साथ बिताता है राजा? तोते के साथ। किसके साथ ज्यादा रहना पसंद करता है? तोते के साथ। है ना? यस सर। जैसे टाइम किसको नहीं दे पाता? रानी को। रानी उससे बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। अब बहुत लंबे टाइम से तोता रह रहा है राजा के साथ। तोते का भी अपना एक परिवार है, वो दूर किसी दूसरे राज्य में रहता है। किसका परिवार? तोते का। अच्छा, तोते के परिवार में कौन होगा? यस बेटा बताओ। यस बेटा, आप बताओ। यस बेटा, तोते के परिवार में होगी तोती, और तोते के परिवार में तोती के साथ साथ उसके बच्चे भी होंगे। होंगे ना? यस सर। उसका बड़े दिनों से मन कर रहा है अपने बच्चों से मिलने का। किसका मन कर रहा है? तोते का। किससे मिलने का? तोते से। तो वो किसके पास जाता है? वो जाता है महाराज के पास। कहता है, महाराज मुझे दे दो छुट्टी, मुझे जाना है कहाँ पर? परिवार से मिलने। अपने परिवार से मिलने। परिवार के पास क्यों जाना है? बच्चों से मिलने के लिए। बड़ा मन कर रहा है उसका बच्चों से मिलने के लिए। यस बेटा। उसको बड़े दिन हो गए अपने घर जाए, अपने घर जाए, बच्चों से मिले। अब सोचो, तोता इतनी दूर से आकर के वो राजा के पास क्यों रहता है? मूल रूप से कहाँ के रहने वाले? बिहार से। आप दिल्ली में क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली, मम्मी पापा यहाँ क्यों आए? काम करने के लिए। काम करने के लिए क्यों आए यहाँ पर? बच्चों को पढ़ाई। काम से क्या मिलता है? पैसे। पैसे से क्या मिलता है? खाना पीना। इंसान की तीन जरूरतें होती हैं बेसिक, खाना पीना पढ़ना, कपड़ा और पढ़ना, मकान, रोटी कपड़ा और मकान, जो किस चीज से खरीदा जा सकता है? पैसों से। और पैसा कब मिलेगा? जब हम काम करेंगे। काम करेंगे। पैसा कब मिलेगा? जब हम काम करेंगे। काम करेंगे। वैसे ही वो तोता भी अपने परिवार को छोड़ के राजा के पास क्यों रह रहा है? ताकि काम करने से उसको क्या मिले? पैसा। और वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर पाए। पूरा कर पाए, इसलिए रह रहा है। यस सर। यस और नो? यस सर। इसलिए कोई आदमी दूसरे देश में जाता है, दूसरे राज्य में जाता है? यस सर। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो मूल रूप से दिल्ली के निवासी हैं, जिनके माँ बाप का जन्म दिल्ली में हुआ है, जिनके दादा दादी का जन्म दिल्ली में हुआ है, वो कई पुश्तों से दिल्ली में रह रहे हैं? यस बेटा, खड़े होकर। कहाँ के रहने वाले हो? मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये क्या जवाब दे रहा है? मूल रूप से दिल्ली का निवासी कौन है यहाँ पर, जो दिल्ली में ही हमेशा से रहा है, उसकी पुश्तें पिछली भी दिल्ली में रही है? कोई नहीं है ना? नकुल। सब लोग यहाँ पर क्यों हैं? पैसे के लिए। पैसे के लिए। है ना? यस सर। क्योंकि बड़ा शहर है, बड़े शहर में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ज्यादा काम है, ज्यादा इनकम होती है। ज्यादा इनकम होगी तो घर परिवार को पालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना? यस सर। इसीलिए दिल्ली में आते हैं ना? यस सर। यस और नो? यस सर। वैसे ही वो तोता भी राजा के पास क्यों रहता था? ताकि
संभाल सके? यस सर। यस बेटा। सर जी, हमारे मम्मी पापा चाहे तो गांव में भी रह सकते हैं, पर हमारे मम्मी पापा हमको पढ़ाने के लिए नहीं। ठीक है बेटा। यस सर। इसलिए रहता था वो तोता वहां पर। वेरी गुड। अब वो तोता कहाँ जाएगा? अपने परिवार के पास। छुट्टी लेके जाएगा? यस सर। सरकारी कर्मचारी होता है या कोई कर्मचारी होता है, जैसे आपके माँ बाप हैं, जॉब करते होंगे कहीं ना कहीं। यस सर। करते हैं ना? यस सर। वो बिना छुट्टी लिए जा सकते हैं? नो सर। उसके लिए क्या करेंगे? वो छुट्टी की एप्लीकेशन देंगे। आप भी बिना छुट्टी के स्कूल से घर जा सकते हो? नो सर। क्या लिखोगे उसके लिए? एप्लीकेशन। तो वैसे ही वो अर्जी लेके किसके पास गया? राजा के पास। राजा के पास। छुट्टी कौन देगा उसको? राजा ने कहा कि तेरे बिना मेरा मन तो भरता नहीं, तो तू ज्यादा छुट्टी तो मैं तुझे दूंगा। मैं छुट्टी लेता हूँ मुझे एक हफ्ते की। बहुत है। छुट्टी एक हफ्ते की। कितने दिन होते हैं एक हफ्ते में? सात। सात दिन। वो कहता है महाराज दो दिन तो मुझे जाने में लग जाएंगे, दो दिन मुझे आने में लग जाएंगे, क्योंकि बहुत दूर है घर, तो मुझे कम से कम 10 दिन की छुट्टी तो दो, ताकि मुझे जो सफर है बीच का इसमें मेरा टाइम जो है वो बर्बाद। राजा कहता है ठीक है, जाते तुम लोग भी यहाँ से बिहार जाते हो, कम से कम एक दिन का सफर है? दो दिन भी लग जाते हैं। यस सर। नॉर्मल ट्रेन में जाते हो तो लग जाते हैं ना 2 दिन? यस सर। यस और नो? यस सर। ऐसे ही उसको भी घर पहुँचने में कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। कितने दिन? 2 दिन। तो क्या 2 दिन लगातार आदमी सफर कर सकता है? नहीं सर। बीच में वो क्या करेगा? आराम भी करेगा। और रात को जो उड़ने वाले पक्षी हैं उनमें से रात को किन पक्षियों को दिखाई देता है? उल्लू। यस बेटा बताओ। उल्लू। यस बेटा। सर जी, उल्लू और चमगादड़। उल्लू और चमगादड़। इसके अलावा किसी पक्षी को रात में दिखाई देता है? नो सर। तो रात में क्या वो सफर कर पाएगा? नो सर। रात में उसको क्या करना पड़ेगा? सोना पड़ेगा। और अगर रात में सफर करता है तो क्या होगा? वो रास्ता भटक सकता है, कहीं और जा सकता है, इसलिए रात को क्या करेगा? तो आराम करते करते 2 दिन में वो कहाँ पहुँचता है? अपने। अच्छा, कौन कौन है उसके परिवार में? बोलो। यस बेटा, ये बच्चा बताएगा। हाँ। तोती और तोता। दो बच्चे। तोती और दो बच्चे। बच्चे है ना, बताया ना मैंने। वो उनसे मिलता है तो खुश हो जाते हैं बड़े बच्चे। कैसे करते हैं करके दिखाओ सभी। अच्छा, तुम्हारे पापा जब शॉर्ट में काम से आते हैं तुम कैसे मिलते हो? ये छोटा बताओ। वाह पापा, कैसे मिलते हो? और कोई बच्चा इधर जो बताएगा शाम को पापा से कैसे मिलते हो जब वो आते हैं काम से? अरे शाम को पापा आते होंगे काम से, तो कैसे मिलते हो पापा से जाके? खुशी होती है या नहीं? चीज लाते हैं तुम्हारे लिए? कैसे मिलते हो जाके? यस बेटा बताओ। यस बेटा। यस बेटा। अरे वाह बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ जवान। तो वेरी गुड। और अच्छे बेटा, वेरी गुड। तो वैसे ही जब तोता घर पहुंचता है तो कौन खुश हो जाता है? बच्चे। बच्चे। पापा आएंगे तो सबसे पहले कौन खुश होगा? बच्चे। बच्चे। तो
बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और कितने दिन के लिए आया है वो, कैसे टाइम निकल जाता है पता ही नहीं लगता, उनके साथ मिलता है, खेलता है, बात करता है, और वो टाइम जो छुट्टी का टाइम है वो कब बीत जाता है उसे पता ही नहीं लगता। अब उसका जाने का समय, वापिस जाना है उसको, कहाँ पे जाना है, काम पे, राजा के पास जाना है ना, राजा के पास। तो उनको किससे बिता लेगा, बच्चे रोएंगे, वाइफ रोएगी, क्यों नहीं रोएगी, खड़ा हो जाओ भाई, सर नो सर कह रहे हो, वापस नहीं जाते हैं पता नहीं, इधर से कोई बच्चा आ कोई बाहर में देख लेगी भाई सर, यस बेटा वाइफ थोड़ी रोएगी बताओ, अच्छा मुझे बताओ किसी फौजी को जाते हुए तुमने देखा है, फौज में जाता है तो क्या उसकी वाइफ रोती है नहीं रोती, अच्छा क्यों रोती है उसकी वाइफ, यस बेटा आप बताओ, और कोई बच्चा इधर से बेटा यस बताओ, यस बेटा आप बताओ, शाबाश, वेरी गुड, इधर से कोई बच्चा, यस बेटा आप बताओ, वेरी गुड, यस बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा है, नो सर, इस पल हम यहाँ पर बैठे हैं अगले पल में क्या हो जाए किसी को पता है, नो सर, कब जिंदगी खत्म हो जाए किसी को पता है, नो सर, पहले ही वो इतने सालों बाद आया है तोता मिलने के लिए अपने परिवार से, अब दोबारा क्या पता मुलाकात हो या ना हो, इसीलिए इसीलिए उसका परिवार रो पड़ा कि भाई तुम जा रहे हो दोबारा पता नहीं मुलाकात होगी या नहीं होगी, और इसीलिए जो फौज में जाते हैं लोग उनके परिवार वाले भी रोते हैं, क्योंकि फौज पर क्या होता है, हाथ ऊपर कर जाता है बॉर्डर पर, बॉर्डर पर क्या होता है, दुश्मन देश से लड़ाई होती है, अब लड़ाई में तो जान जा सकती है ना, जा सकती है ना, इसलिए उनकी आंखों में से आंसू निकल आते हैं, समझे, तो उनकी आंखों से भी आंसू निकलते हैं, अब तोता उड़ा, अब तोता ये सोच रहा है कि इतने दिन में यहाँ रुक के जा रहा हूँ, अब मैं खाली हाथ अगर जाता हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, तो क्यों ना मैं अपने राजा दोस्त के लिए कुछ लेकर जाऊँ, तो वहां पर उसके राज्य में, किसके राज्य में, तोते के राज्य में एक बड़ा ना फेमस फल था, उस फल की क्या खासियत थी कि उस फल को जो भी खाता था वो लंबे समय तक जवान रहता था और जिंदा रहता था, तो वो सोचता है कि मैं ये वाला फल जो है राजा के लिए लेकर के जाता हूँ, क्योंकि राजा से वो बहुत प्यार करता था और राजा भी उसको प्यार करता था, तो वो फल तोड़ता है और लेके उड़ चलता है किसकी तरफ, सफर कितने दिन का है, रास्ते में उसको रुकना पड़ेगा, yes, sir. तो वो एक पेड़ के ऊपर विश्राम करने के लिए रुकता है, सर फोन आ गया, और उसकी आग लग जाती है, वो सो जाता है, अब जैसे ही उसकी आग लग जाती है वहां पर उसी पेड़ पर रहता है जहरीला सांप, अच्छा सबसे ज्यादा जहरीला सांप कौन सा होता है, कोबरा, यस बेटा बताओ खड़े होके सभी को, कोबरा, कोबरा, तो वहां पर रहता है कोबरा सांप, और वो कोबरा सांप जो होता है उसको वो जो फल होता है ना उसकी रोशनी परेशान कर रही होती है, क्योंकि वो फल रात को चमक रहा होता है, तो उसकी रोशनी उसको क्या कर रही होती है, परेशान, वो जा करके उस फल को, और जैसे ही फल को डसेगा तो क्या होगा, फल के अंदर क्या चला जाएगा, फल के अंदर क्या चला गया, अब ये बात होते को नहीं पता, क्योंकि वो तो सो रहा था, वो तो सो रहा था, उसको नहीं पता कि भाई सांप ने आकर के इस फल के अंदर जहर
वो सुबह होती है, दोबारा उड़ चलता है किसकी तरफ? राजा। उस फल को लेकर के राजा बैठा अपने राजदरबार, और ऐसे ही उसके मंत्री बैठे इधर भी। देखिए ना राजसभा, यही सीरियल सुनी देखी होगी तुमने। राजा बैठता है सिंहासन में और साथ वाली कुर्सियों पर उसकी सेना, राजसभा, उसके मंत्री बैठते हैं, उसके मंत्री बैठते हैं, वैसे उसके मंत्री बैठे हैं। तोपा आता है, उसके हाथ में बैठ जाता है, दूसरे हाथ में उसके फल देता है। फल देने के बाद उसको बताता है कि ये फल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और इस फल की एक खासियत है कि जो इसको खाएगा वो क्या रहेगा? यस बेटा, आप बताओ क्या रहेगा? और लंबे टाइम तक जिंदा भी रहेगा, है ना? यस बेटा, बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही वो पद को खाने वाला होता है, तुरंत उसको फोन टोक देता है, एक मंत्री खड़ा हो जाता है, कहता है महाराज नहीं मत खाओ, ये मत खाओ, ये फल दूसरे देश से आया है, ये तोता दूसरे देश में रहता है, इसके ऊपर इतना यकीन मत करो, हो सकता है इस फल के अंदर कुछ मिला के लाया हो, आप खाओ और आप मर जाओ। क्या कहता है? हो सकता है इस फल को आप खाओ और आप मर जाओ, तो इसको पहले ना आप टेस्ट करो। पुराने समय में क्या होता था, जो राजा के लिए भोजन बनता था, राजा को खिलाने से पहले उसको कोई और खा के टेस्ट करता था, और वो कौन होता था? खाने वाला, जो बनाता है वही। राजा के सामने दो प्लेट रखती थी, एक राजा की और एक जो खान सामा होता था, जो खाना बनाता था उसकी। जो खाना बनाने वाला है उसी को भी उसी बर्तन से परोसा जाता था जिस बर्तन से राजा को परोसा जाता है, और पहले खाना बनाने वाला खुद खाता था ताकि अगर खाने के अंदर कुछ उसने मिलाया हो तो वो खुद ही मर जाए। ठीक है? यस सर। तो यहाँ पर वो एक टुकड़ा क्या करता है, तोड़ करके काट करके अपने कुत्ते को खिलाता है, जैसे ही कुत्ता उसको खाता है और कुत्ता मर जाता है। राजा को बहुत गुस्सा, राजा कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं समझता, ये भी नहीं कहता कि ये मेरा इतना पुराना दोस्त है, इतना अच्छा दोस्त है, तुरंत तलवार निकालता है तोते की गर्दन, और तोता वहीं पर तोता भी वहां पर मर गया। तो क्या उसने सही किया राजा ने तोता को मार दिया? नो सर। क्या तोते को मारकर ठीक किया उसने? लेकिन राजा को लग रहा था उसने ठीक किया। अब आगे क्या होता है? आगे वो राजा, वो जो बचा हुआ फल है, अपने मंत्री को बोलता है कि इसको जाकर के कहीं फेंक, वो जो फल का टुकड़ा बाकी बचा हुआ था उसको फेंका जाता है। उसी जगह पर जहाँ पर वो फल का टुकड़ा फेंका जाता है, दो साल में वहाँ पर एक पेड़ उगाता है, उस पेड़ पर भी क्या लगता है? वही माने फल, वही चमत्कारी फल उस पेड़ पर भी उग जाते हैं। जब राजा को यह बात पता लगती है तो राजा उसके सामने एक बोर्ड लगवा देता है कि इस पेड़ के सारे फल क्या है? जहरीले। इस पेड़ के फल को कोई मत खाना, खाओगे तो मर जाओगे, ऐसा एक बोर्ड लगवा देता है। तो कोई उस पेड़ के आसपास नहीं जाता, उस पेड़ के फलों को नहीं खाता। लेकिन एक दिन दूर कहीं से एक आदमी आ रहा होता है, वो फल पेड़ की छाया में बैठता है, पेड़ की छाया में बैठने के बाद वहीं पर आराम करने के लिए वो सो जाता है। बोर्ड लगा हुआ है, जरूरी है कि क्या सारे पढ़े लिखे हो? नो सर। जरूरी है कि जो बोर्ड राजा ने लगवाया था वो सब पढ़ सके? नो सर। क्या एक देश के अंदर सभी पढ़े लिखे हो, ये जरूरी है? नो सर। वो भी बूढ़ा आदमी पढ़ा लिखा नहीं था। उस पेड़ के नीचे जब वो विश्राम कर रहा था, एक फल उसके ऊपर गिरता है, उसको भूख लगी होती है, वो फल खा लेता है, और जैसे ही वो फल खाता है वैसे ही वो बूढ़ा आदमी हो जाता है, और उसके
शरीर के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है। उड़ते उड़ते खबर किसके पास पहुंचती है? राजा के पास। तब राजा को क्या होता है अपनी गलती का एहसास। तब उसको समझ में आता है कि तोते को तो पता ही नहीं था, अगर तोते को पता होता कि उसके अंदर जहर है तो वो मेरे लिए क्यों लेकर आता, वो तो मेरा फायदा सोच के लेके आया था ताकि मैं इस पद को खाऊं और लंबा जीऊं, जवान हो जाऊं। तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन क्या आप उसकी गलती मानने से उस तोते की जिंदगी वापस आ सकती है? जो हो गया वो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, है ना। अब पछताए के कोई फायदा है? एक कहावत भी है, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया मर गई, अब तो तोता मर गया, अब पछताने क्या फायदा है, कोई फायदा? अच्छा, इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है आपके अनुसार बताओ? आपको क्या लगता है इसका टाइटल क्या होना चाहिए कहानी का? यस बेटा, कहानी का शीर्षक क्या होना चाहिए टाइटल? अरे बताओ बेटा, यस बेटा आप बताओ। चमार फल के ये भी हो सकता है, राजा और तोता वेरी गुड, ये भी हो सकता है। ओके यस बेटा, यस बेटा, यस बेटा आप बताओ। राजा तोता और फल वेरी गुड, यस बेटा। सांप, सांप कैसे हो सकता है? ओके यस बेटा, तोते की जिंदगी। ओके और कुछ? यस बेटा। ओके आप जब सबने जो बताया सभी ठीक बताया, गलत कोई नहीं बताया, सब किरदार है कहानी के, कोई भी टाइटल रखा जाए। यस बेटा आप बताओ। राजा ने ली तोते की जान, राजा ने ली तोते की जान, वेरी गुड। यस बेटा